सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा है मेरे प्रीव्यू में, तो इस प्रकार की वीडियो एडिटिंग हम आपको अच्छे तरीके से यहां पर बताने वाला हूं और यहां पर फुल ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करने के साथ कॉमेंट करें। और यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने फोन स्क्रीन पर। सो गाइस, यहाँ पर आपको पहले तो अपने सिक्योर वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है अपने नेटवर्क से। जैसे कि मैं यहाँ पर इस वाले, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस वाले वीपीएन को मैंने यहाँ पहले से ही कनेक्ट करके रखा हुआ है। सो गाइस, यहाँ पर आपको इतना करने के बाद यहाँ पे आपके फोन में कैपकट एप्लीकेशन होना बहुत ही जरूरी, तभी जाके आपकी जो वीडियोस होगी कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो पाएगी। सो गाइस, यहाँ पर मैं इसका जो भी ऑल मटेरियल है, जो भी एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पर यूज करूँगा, वो सारे के सारे मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे फॉलो करके आपको रखना होगा, तभी जाके आपको हर एक चीज़ का जो भी लिंक्स होंगे, जो भी होंगे, जो भी वीडियोस होगी, वो आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पर मिल जाएंगी। सो गाइस, यहाँ पर आपको अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोटोज वाले आइकन पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार की इमेजेस को आपको डाउनलोड करके रखनी होगी। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम पे आपको ये भी PNGs जो भी इमेजेस हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो गाइस, मैं यहाँ पे इमेज को ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद में जो भी आगे का प्रोसेस है मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी इसकी रेशियो होती है, रेशियो को इतना ही रखना है, यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं करना है। और यहाँ पर आपको करना ही होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको एडजस्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राइटनेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे लगभग 30 के राउंड अबाउट आपको यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद सेचुरेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे आपको माइनस कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एडजस्ट पर जाना है और यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर ये वाली इस प्रकार से यहाँ पे फुल वीडियोस में आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो भी लास्ट में इसका वाटरमार्क मिलता है इसे आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यहाँ पे जो भी फोटोज, इमेज, जो भी चेंज होती हैं वीडियोज, तो वहाँ पर आपको एनिमेशन या फिर ट्रांजेक्शन ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आपको करने का, यहाँ पे आपको मिला हुआ ब्लैक फैडो से यहाँ पे आपको इसे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इसकी जो ड्यूरेशन है इसे आपको यहाँ पर 1 सेकंड पर ही आपको रखना है, 0.1 सेकंड। दूसरी यहाँ पे आपको ऑल टू मतलब अप्लाई टू ऑल पर आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद डन, यहाँ पे आपको डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी इमेजेस होंगी सारी की सारी इमेज पर आपका यही वाला इफेक्ट ऐड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर यही ट्रांजेक्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको देख लेना है जिस भी इमेज की जहाँ पे ड्यूरेशन या फिर उससे अगर उसको फ्रेम साइज में आपको कर लेना है। करने के बाद इससे आपको फुल कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देना है, जो भी इमेज यहाँ पर कुछ छूट रही है। तो यहाँ पे आपको इतना करने के बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो को आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे के सारे ग्राफ्स को आपको यहाँ पर इंक्रीज कर देना और जो भी आपकी वीडियोस होगी फुल हाई क्वालिटी में बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पहले तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, उसके बाद में आगे का जो भी प्रोसेस है मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मेरी जो वीडियो से यहाँ पे सेव हो चुकी है, उसके बाद डन पे टाइप करना है। डन पे टाइप करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर फिर से आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से इसी इमेज को यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसी वीडियोस को यहाँ पर आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐड ओवरले कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको फिर से आपको यहाँ पर उसी वीडियोस को जो है यहाँ पर ब्रश वाली जो वीडियो हिस्से आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आपकी जो वीडियोस होगी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में इसे थोड़ा सा इंक्रीज आपको फुल फ्रेम में कर लेना है। करने के बाद में यहाँ पे आपको छोटा बड़ा करना चाहते हैं इसे आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं या फिर छोटा भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, इसे आपको यहाँ पर 3 सेकेंड के राउंड अबाउट आपको यहाँ पर रखना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर रखने के बाद जो भी आगे का स्टार्ट से आपको थोड़ा सा
इस प्रकार से कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन से यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे आपको कॉपी करते जाना है। सो गाइस यहाँ पे आपको पहले तो इस लेयर पे आपको टैप करना है, ब्लेंड पे जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे आपको फिल्टर पर क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। सो गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लाइटिंग पर क्लिक करना है, फिल्टर पे नहीं, लाइटिंग पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देन यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन शो होगा, इस लेयर पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे आपको कॉपी करते जाना है। हर एक लेयर पे आपको कॉपी करते जाना है, जो भी आपकी फोटोज होंगी सभी पे ये कॉपी होते और लगते यहाँ पर रेडी मतलब होते चला जाएगा। सो गाइस इसी तरीके से आपको हर एक वीडियो में इस तरीके से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद लास्ट में इसका वॉटरमार्क मिलता है, जिसे आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मेरी जो वीडियो से यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस इसे आपको यहाँ पे फिर से एक बार सेव करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे मेरी जो वीडियो से सेव हो चुकी है, डन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर फिर से आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको इमेज को ऐड कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको सारी इमेज को उसी तरीके से आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। डन पर क्लिक कर देना है, ऐड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको फिर से इसी ट्रांजेक्शन पे आपको टाइप, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल रहा होगा ब्लैक फाइट, तो यहाँ पे आपको इसी पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई टू ऑल पर टैप कर देना। टैप करने के बाद सारी के सारी इमेज की जो बीच में ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ पे ये वाला जो इफेक्ट है यहाँ पर ऐड हो चुका है, और यहाँ पे आपको डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना ही होगा उसी वीडियोस को जो भी अभी अभी आपने कॉपी या फिर जो अभी आपने सेव किए उसी वीडियोज को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको ओवरले के ऑप्शन पर टाइप करना है, ऐड ओवरले कर देना है। करने के बाद उसी वीडियोज को यहाँ पर आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो वीडियो से आ गई है। उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फुल फ्रेम में सेट कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे सेट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्रोमा का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको कट आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको टैप कर देना है और इस सर्कल को थोड़ा सा हिलाएंगे, जैसे ही आपको यहाँ पे इंटेंसिटी एंड शैडो यहाँ पे वर्क करने लग जाता है। सो गाइस इस प्रकार से आपको यहाँ पर फुल कर देना है। फुल करने के बाद शैडो को भी थोड़ा सा इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है फुल। उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से आपकी जो वीडियो से यहाँ पे आ गई। उसके बाद में यहाँ पे आपको लास्ट में वाटर मार्क मिलता है, जिससे वाटर मार्क को यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से यहाँ पे जो भी फोटोज हैं फोटोज पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद इसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लाकर रख देना है। रखने के बाद सारी इमेज को कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेट कर देना है। सो गाइस यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो भी लेयर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना है, बैक आने इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वीडियोस इफेक्ट पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार के इफेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको लेंस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने वो वाला जो इफेक्ट मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको जानकारी तो प्रॉपर तरीके से ही मिल रही है। तो यहाँ पे आपको एडगल ग्लू पे आपको यहाँ पर टैप कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सो गाइस यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पे इस पे एडजस्टमेंट भी कर लेना है, किस पे इस प्रकार से आपको यहाँ पर ग्लो जितना रखना चाहते हैं यहाँ पे आपको ग्लो रख लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर देना है। करने के बाद डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर डन पर करते हैं इसे आपको फुल वीडियोस में ऐड कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। करने के बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे एक लिरिक्स वीडियो को भी ऐड करना है, ओवरले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐड ओवरले कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको जो उस वीडियोस को जो भी यहाँ मैं यूज किया हूँ उस वीडियो को ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसे नीचे लाना है। लाने के बाद इसे इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लेंड का ऑप्शन मिला होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पर लाइटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे आपको लाइटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड में ब्लैक था वो यहाँ पर हट गया और मेरी जो लेयर्स की वीडियो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पे डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आपको इसकी जो लेयर्स है यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ।
सो गाइस यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है लिरिक्स, तो यहाँ पे इसे अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका जो फुल प्रीव्यू है यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो हे गाइस, सो गाइस जैसे मेरी यहाँ पे वीडियोस प्रॉपर तरीके से बनके कंप्लीट हो चुकी है, तो इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे आपको 1080 पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे आपको फुल इंक्रीज कर देना है, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी होगी वो बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर तीन वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद जो भी आपकी वीडियो होगी प्रॉपर तरीके से आपकी गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से कहीं तक आप अच्छे से सीख गए होंगे। सो गाइस अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, तो कमेंट भी करें। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी ऐसी ही न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।